हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खोजकर्ता होटेलियर्स। होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और प्रेस करें बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बिरयानी के इतिहास के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि बिरयानी की उत्पत्ति कैसे हुई और आखिरकार इसका नाम बिरयानी क्यों पड़ा। बिरयानी से जुड़ी कई कहानियाँ और इंडिया में कुछ फेमस किस्मों के बिरयानी के बारे में बताने वाला हूँ। इसके अलावा वीडियो में आगे मैं आपको बिरयानी दिवस कब मनाया जाता है ये भी बताने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। भारत के अलग अलग शहरों में जो है बिरयानी बनाने का तरीका अलग अलग है और इसी वजह से जो है कई शहरों की बिरयानी अपनी अलग खासियत के लिए मशहूर है। तो दोस्तों, जितनी स्वादिष्ट बिरयानी होती है उसका इतिहास उतना ही मज़ेदार है। कई इतिहासकारों का मानना है कि बिरयानी सबसे पहले ईरान और पर्शिया में उत्पन्न हुई और मुगलों द्वारा इसे भारत लाया गया और समय के साथ यह शाही मुगल रसोइयों में और भी बेहतरीन होती चली गई। बिरयानी शब्द जो है एक पारसी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ की खाना पकाने से पहले तला हुआ होता है। चावल को जो है फारसी में ब्रिंज कहा जाता है और इन दोनों शब्द को मिलाकर जो है बिरयानी शब्द की उत्पत्ति हुई है। वहीं एक कहानी के अनुसार बिरयानी की उत्पत्ति का क्रेडिट मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम मुमताज महल को दिया जाता है। कहा जाता है कि एक दिन बेगम सैनिकों के बैरक में गई, बैरक यानी कि जहाँ पर सैनिक रहते हैं, वहाँ पर उन्होंने देखा कि अधिकतर सैनिक जो है कमजोर दिखाई पड़ रहे थे। ये हाल देखकर उन्होंने जो है शाही बावर्चियों को सैनिकों के लिए संतुलित आहार बनाने का आदेश दिया, जिसमें चावल और मांस का मिश्रण हो और जिससे सैनिकों को भरपूर पोषण मिल सके। इसके बाद जो है कई मसालों और केसर को मिलाकर जो है बिरयानी का जन्म हुआ। कुल मिलाकर बिरयानी जो है विशेषकर सैनिकों का भोजन हुआ करती थी, क्योंकि सैनिक जब युद्ध के लिए जाते थे तो उनके पास जो है बर्तनों का अभाव हुआ करता था, जिसके कारण वह चावल और मांस दोनों को एक ही बर्तन में डालकर पकाया करते थे और इससे लंबे समय तक उनके शरीर में ऊर्जा भी रहती थी। उसके बाद यह शाही रसोइयों में बेहतरीन होती चली गई। भारत में जो है आमतौर पर दो प्रकार से बिरयानी बनाई जाती है, एक कच्ची बिरयानी और दूसरी पक्की बिरयानी। कच्ची बिरयानी में जो है कच्चे चावल और कच्चे तेल मसाले आदि के मिक्सचर को जो है मांस के साथ जो है मैरिनेट करके भीगे हुए चावल के साथ एक के ऊपर एक परत लगाकर धीमी आंच में दम देकर पकाया जाता है और इसे बनाने में जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है। और पक्की बिरयानी में जो है मीट को 70% अलग बर्तन में पकाया जाता है और राइस को अलग बर्तन में पकाया जाता है और उसके बाद जो है इन दोनों को एक बर्तन में लेयर करके जो है दम दिया जाता है। कच्ची बिरयानी का सबसे अच्छा उदाहरण हैदराबादी बिरयानी के रूप में देखने को मिलता है। वहीं पर पक्की बिरयानी का सबसे अच्छा उदाहरण अवधी बिरयानी, जिसे कि यखनी पुलाव भी कहा जाता है, और दूसरा कोलकाता बिरयानी पक्की बिरयानी का उदाहरण है। कच्ची बिरयानी में जो है मसालों का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, जिससे कि मसालों का एक तेज फ्लेवर कच्ची बिरयानी में आता है, और पक्की बिरयानी में जो है मसालों का फ्लेवर कम और मीट का फ्लेवर ज़्यादा आता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको बताऊँगा कि वर्ल्ड बिरयानी डे कब मनाया जाता है, तो हर साल वर्ल्ड बिरयानी डे जो है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।